लिखी छु प्यार एक आर्ट है और मैं एक इंजीनियर हूँ। तू इंजीनियर ना कौन आर मीनिंग कौन टी कह तो सांग मैंने आपने देखी पार्थे आो सांग आज बांगलोर विद्या रजन जो आज हम तर शेष सांगटा सफ्टवेयर काम करथिला सैलरी केथले कहि सत कथा सफ्टवेयर न मोटे नॉन आईटी माने आईटी काम करथले ले मो डोमेन काम करथले मो सैलरी थिला बेंगलोर रे सेई अपन माने 15 न त 17000 थिले बगे 17000 एबे किंतु भुवनेश्वर तार लागि जाय छी आउ सेठे टिके मोटा अमाउंट ये मिलि छी आउ जेतिक अछि तार डबल अमाउंट अछि डबल अमाउंट अछि आउ त मने आज जान बोलि दि जणा को छुट्टी नै कि राजा पढ़ाऊँ भिडटा तो सांग मैंने बांगलोर विद्या रजन नौ मानने से गाँव को आज पढ़ाऊँ से तार एक्चुअली भुवनेश्वर तार जब लगे ना राजा ठीक अच्छे टी हाँ कौन कौन अच्छे कहीदेन कहीदे लाज लगुच राजा राजा यही गोटे लिखी था प्यार एक बार आर्ट है रे मुझे पढ़ी पार नहीं प्यार एक आर्ट है और मैंने एक इंजीनियर हूँ बाबा रे अरे राजा ये लिखी छु प्यार एक आर्ट है और मैं एक इंजीनियर हूँ। तू इंजीनियर ना कौन ये कौन व्यक्ति आर आर मीनिंग कौन टी कहू टे बड़ कथा तो कह ना तू कह तथापि कहीदे तो तू गोटे लिखी थी गोटे रखी थी गोटे बड़े भल डे आज तो जाऊरी आ राजा चिकु भाई भी आम पाखे चिकु भाई कितना रही देवाशीष देवाशीष आम रहा ना ना ये भाई चिकेन बब सही आठ छोड़ा आठ डेगीगला आसी कथा ना जावास रही राजा तो आज विद्या रजनी मान आज सी पलेब मान तार एक्चुअली भुवनेश्वर जाइए तार जो चिकेन बॉक्स होता से गोटे जब तार लग जा कि से आज केवल तार सब जहाँ डॉक्यूमेंट जितक अच्छी से सब लेकिन आज जी के ट्रेन अच्छी राति बारटा कौ ट्रेन एसएमबी मोर ड्यूटी आज मतलब 500 टाँच आज ना सोमवार खाई पक्का आज छुट्टी मारे था एबि मोर गोटे अर्डर अच्छी बुझीपार कि ना एबि अर्डर अच्छी तथापि तु जेहेतु जाऊ मुझे सांगटा जाऊ मैंने आब कि धला पिंधुनि मु छाड़ी देछि लास्ट को राजा आमर जो आज आज हम तो शेष दिन है तो भिड नौ कौन कह चाहिए कह कौन एक्सपीरियंस ना ना खाली कहीदे मुझे मोर ड्यूटी आज लाइन तू के जी कह कौन एक्सपीरियंस रहा आज बैंगलोर बर्षे खंड रही तो बैंगलोर रे आसी गोटे स्वप्न नहीं कि बैंगलोर रे चाकरी गोटे करटल बैंगलोर तो गोटे जब जब रही सैलरी तो कम था जेहतु मुझे जो डोमेन कम कर पाठ पढ़ी से डोमेन मिल ना तो जहाँ भी हूँ भगवान ठीक टाइम
ଆଉ ଆମର ସାଙ୍ଗଟା ସଫ୍ଟୱେୟାର କାମ କରୁଥିଲା, ସାଲାରୀ କେତେ ଥିଲା କହି ସତ କଥା? ସଫ୍ଟୱେୟାର ନୁହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ନନ୍ ଆଇଟି ମାନେ ଆଇଟି କାମ କରୁଥିଲି, ହେଲେ ମୋ ଡୋମେନ୍ରେ କାମ କରୁନଥିଲି। ମୋ ସାଲାରୀ ଥିଲା ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ସେଇ ମାନେ 15 ନୁହଁ ତ 17,000 ଥିଲା ପାଖ। 17,000 ଏବେ କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାର ଲାଗିଯାଇଛି, ଆଉ ସେଠାରେ ଟିକେ ମୋଟା ଆମାଉଣ୍ଟ ଟିକେ ମିଳିଛି, ଆଉ ଯେତିକି ଅଛି ତାର ଡବଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ଡବଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଛି ଆଉ। ତ ସେ କାହିଁକି ବାଙ୍ଗାଲୋର ରହିବ? ତ ଏମିତି ଥିଲା, ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗ ତ ଆଜି ପଳଉଛି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ତ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯିବ, ଯାହା ହଉ କେତେ ମନ ପରେ ଟିକେ ଦେଖା ଦେଖି କରିଦେବୁ ଆମେ ଆଉ। ନାଇକି ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ। ତ ଆଜି ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେ କାହିଁକି ବାଙ୍ଗାଲୋର ରହିବ? କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭୁଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ପାଗକୁ ୱେଦର ଟାକୁ ଭୁଲି ପାରିବ ନା? ବାଙ୍ଗାଲୋର ୱେଦର ହିଁ ଭଲ, ଆଉ ସେଇଟା ସମ୍ଭବ କେହି ତ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ରାଜା କଣ ଚାଲ, ଆଉ ତମେ କଣ ମିସ୍ କର ବାଙ୍ଗାଲୋର? ଜଣେ ଜଣେ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ପଳେଇବେ, କେବଳ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରହିଯିବି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ, ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା କି ସେ ମୋର କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୋ ଘର ସାମ୍ନା ଘର, ଆଉ ତାଙ୍କରି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ପାଖାପାଖି ମୋରି ପାଖରେ ଥିଲା, ଆଉ ଆମେ ମଜା ମସ୍ତି ଛୁଟି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପିଜିକୁ ଯାଏ ମୁଁ, ସେଠି ଗପସପ ଟିକେ ହୁଏ, ବହୁତ ଫ୍ରି ଲାଗେ। ଆଉ ସେ ଫାଇନାଲି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଳେଇଲା, ଆଉ ଏଇଟା ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଠି ମୋର ବହୁତ ସାରା ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଧୀରେ 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 ଅଲଗା ଲାଇନ୍ ସବୁ ପଳେଇଲେଣି, ଆଉ ମୁଁ କେବଳ ଶଳା ସେମିତି 6 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଅଛି। ଦେଖାଯାଉ ମୋର କେ ଖୋଲିଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ମୋର କ୍ଲୋଜ୍ ସାଙ୍ଗଟା ପଳେଇଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ, କିଛି ନାହିଁ, ତାର ଗୋଟେ ଜବ୍ ଲାଗିଲା, ଭଲ ଇନକମ୍ ଯେଉଁଠି ମିଳିଲା ସେ ଗଲା, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି ଥିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟେ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତା'ପରେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର।